प्रदेश में पंचायती चुनावों से पहले जहां कुछ लोग पंचायतों का विभाजन न होने से नाराज हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने पुरानी पंचायतों को पुनः बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है ग्राम पंचायत करोर के सेरा गांव का, जिसमें सेरा गांव के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर सेरा पंचायत, जिसे 20 दिसंबर 2000 में करोर में जोड़ दिया गया था, उसे पुनः बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे पर ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में आए गांववासी सरबजीत ने कहा कि सेरा पंचायत को पुनः बहाल करने हेतु उपायुक्त से मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि करोर पंचायत के बदले सेरा पंचायत को पुनः बहाल किया जाना चाहिए। जो थी उसे बहाल कराने के लिए हम लोग किसी से निर्णय किया। सेरा ग्राम पंचायत पहले सेरा ग्राम पंचायत थी, अब करौर है, लेकिन करौर के बदले हमें सेरा बहाल की जाए, हमारा ये क्वेश्चन है। वही मोहनलाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने सेरा में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस समय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएच मंत्री ने भी सेरा पंचायत को पुनः बहाल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिस कारण आज उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर से गुहार लगाई है कि सेरा पंचायत को पुनः बहाल किया जाए। आपको बता दें कि सेरा पंचायत, जिसे 2000 में करोरा पंचायत में जोड़ दिया गया था, जिस कारण सेरा गांव के लोगों को जरूरी कामकाज निपटाने के लिए करीब बायां बस से 14 किलोमीटर तक का सफर तय करके जाना पड़ता है, और यदि पंचायत प्रधान या सेक्रेटरी ना मिले तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पंचायत बहाल की जाए, और सेरा में जनमंच लगा हुआ था, आईपीएच मंत्री से भी मिले थे, उन्होंने विश्वास दिलाया था, लेकिन हमारी पुरानी पंचायत बहाल नहीं की गई, तो हम डीसी से मिलने के लिए आज फिर से हमारी पुरानी पंचायत बहाल करने के लिए आए हैं। अगर नहीं करते बहाल तो क्या करेंगे? तो आगे देखेंगे कोई कार्रवाई होगी। उचित कार्रवाई। हाँ।